Greetings to all of you once again, and now we are going to discuss one of the most important section for your SNAP 2021 examination, that is analytical or logical reasoning section. Okay, ye section sabse zyada important hai weightage ke point of view se aur full of surprises hai, full of traps hai. Okay, SNAP mein 2 se 3 point aise hai jo hame samajhna bahut zyada zaruri hai. सबसे पहली बात, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है. दूसरी बात, जो वेरियस क्वेश्चन टाइप्स है वो हो सकता है किसी स्ट्रेंज टॉपिक से पूछे जाए, आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट से पूछे जाए, ये भी हो सकता है. और थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है हमेशा, इंटेंशनली स्नैप में 1 से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, हमेशा ये होता ही है. बट एक अच्छी बात ये है कि उन रॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में तो हमें उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, वो अवॉइड कर दिए जाते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि पहचानना कैसे है हमें वो रॉन्ग क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है ओके, और ऑप्शन उनके मैच नहीं हो रहे हैं. बिकॉज हमें किसी भी क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना है ओके. और अगर हम ऐसे किसी रॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पिक कर लें तो उस पर हो सकता है कि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें. तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इस सेक्शन को हैंडल करने की, सबसे पहले पूरे सेक्शन को स्कैन करो ओके. जितने इजी क्वेश्चन हैं, फैमिलियर क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो, जिन पे आप पूरे श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है. जिस पे आपकी स्ट्रांग होल्ड है उन एरियाज़ को टारगेट करो पहले. कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं कि यस ये डूएबल है बट थोड़े टाइम टेकिंग है, तो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करके रखो, बाद में सॉल्व करो. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इनपुट आउटपुट है, पजल्स है, तो कोशिश करो इन्हें कभी भी स्टार्टिंग में सॉल्व मत करो. बिकॉज हो सकता है अगर हमारा लॉजिक थोड़ा गलत हो जाए तो हमारा बहुत टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है. तो हमें हमेशा अवेयर रहना है इन सब चीज़ों से. वैसे सेक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, स्कोरिंग भी है ओके, अगर आप सही से प्लान कर लेते हो तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, इसके बाहर कोई भी टॉपिक आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा. 99% प्रोबेबिलिटी है कि सारे टॉपिक्स यही रहेंगे ओके. सो इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो. तो आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे कि स्नैप की बात कर रहे हैं हम, तो मेन फोकस है स्नैप में ट्रेडिशनल लॉजिक पर बहुत ज़्यादा, उसके बाद पजल्स और थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग पर ओके. सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा डिस्कशन. ट्रेडिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ब्लड रिलेशंस. ब्लड रिलेशंस में आपको बेसिक फैमिली ट्री पता रहना चाहिए. उसके बाद में जो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी बहुत उनकी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए. उसके बाद में जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ, दो पर्सन बात कर रहे हैं और एक पर्सन बता रहा है कि फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसका उस पर्सन से क्या रिलेशन है, तो जो इजी क्वेश्चन टाइप है ये बहुत ज़रूरी है हमें पता रहना ओके. और ब्लड रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. लास्ट ईयर भी 3 to 4 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से आए थे जो बहुत इजी थे ओके. सो ब्लड रिलेशन पर अच्छी होल्ड बना के रखो ओके. और ब्लड रिलेशन आपको पजल्स में भी हेल्प कर सकता है इनडायरेक्टली. अगर सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है विद ब्लड रिलेशन, तो आपको बेसिक फैमिली ट्री पता रहना चाहिए, बस वही रिक्वायरमेंट है ओके. तो ब्लड रिलेशन आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प कर सकता है, तो इस पॉइंट को भी नोट करके रखो. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस और सिंपली डायरेक्शन. अब ट्रेडिशनली IFT हो, NMAT हो या SNAP हो, डायरेक्शन के इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं. जो स्टैंडर्ड डायग्राम है डायरेक्शन का उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और हर साल स्नैप में आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है डायरेक्शन सेंस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा इजी भी है. जितने जल्दी आप लॉजिक ग्रैप करो उतना आपका इसमें टाइम बचेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है. अब कोडिंग डिकोडिंग में मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर उनके नीचे नंबरिंग लिखते बैठते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में. हमें वो सब चीज़ें नहीं करना है. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेके जेड तक आपको हर अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता रहना चाहिए कि न्यूमरिकल ऑर्डर में उसका क्या नंबर है. जैसे A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, Z26 पे है, तो ऐसे ही आपको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी पता रहना चाहिए. इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ना सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में बल्कि जो सीरीज़ में लेटर सीरीज़ आती है, लेटर सीरीज़ में भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है. लेटर सीरीज़ के साथ साथ एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, एनालॉजीज.
एनोलॉजीज जो है यहाँ पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, बहुत क्विकली आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट्स कर सकते हो। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोडिंग डिकोडिंग है तो ईजी, बट जितना क्विकली आप उसे सॉल्व करो। ओके, जैसे एक इजोटी का फॉर्मूला है, ई की पोजिशन है 5, ओके, जे की है 10, ओ की है 15, ओके, टी की है 20 और वाई की है 25, तो ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स याद कर सकते हैं हम। ओके, बट एक्यूरेटली आपको पता रहना जरूरी और बहुत ईजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट जो है ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कोडिंग डिकोडिंग है, बिकॉज ये दोनों टॉपिक हर साल रहते ही है स्नैप की एग्ज़ाम में। अब स्नैप में ऐसा होता है, इनपुट आउटपुट अगर सेट बेस्ड है, अगर 3 से 4 क्वेश्चन का इनपुट आउटपुट आपसे पूछा गया तो आप वो बहुत ईजिली कर लोगे और एक्यूरेसी के साथ 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे और वो हो भी जाते हैं। बट अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, जैसे 2018 में हुआ था, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था और एक क्वेश्चन के लिए लॉजिक भी इन्फर करना थोड़ा टफ था, तो टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीड ब्रेकर, वो इसके लिए लिखा है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करके एंड में अटेम्प्ट करो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर स्कैन करके सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ओके, वैसे इनपुट आउटपुट का लॉजिक उतना टफ नहीं होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा इन द एंड ही इसे अटेम्प्ट करो। ओके, उसके बाद में देखते हैं नंबर्स एंड लेटर सीरीज। लास्ट ईयर भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और स्नैप में नंबर सीरीज़ की जहाँ तक बात करें तो स्टैंडर्ड क्यूब्स, स्क्वेयर्स, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, ओके, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, फ्रैक्शनल बेस्ड, ऐसे सिंपल कंसेप्ट पर ही सीरीज़ टेस्ट होती है। लेटर सीरीज़ का जस्ट मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको पता है, ओके, विथ रिस्पेक्टिव पोजिशन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और केक वॉक टॉपिक है, ज़्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद में कैलेंडर्स, कैलेंडर्स रेगुलर फीचरिंग टॉपिक है स्नैप में और एक क्वेश्चन हर साल आता है, लास्ट ईयर भी आया था। ओके, बहुत ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए कैलेंडर्स के। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और वो आप इजीली कर लोगे। कैलेंडर के बाद रैंकिंग्स, रिसेंट ईयर्स में जितनी भी नॉन कैट एग्ज़ाम्स है हमारी, IFT, NMAT और स्नैप, तो यहाँ देखा गया है कि रैंकिंग से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं और रैंकिंग में भी 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स है इजी, और एक बार आप वो कर लोगे, हार्डली 1 आवर की बात है। ओके, तो रैंकिंग भी आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे, ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, सो रैंकिंग को भी टारगेट करो। ओके, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पजल्स की। अब पजल्स जो है, ट्रेडिशनल लॉजिक के बाद पजल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखा गया है कि 2 पजल आते हैं स्नैप में, ओके, ऑन एन एवरेज। अब पजल में मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट है, ओके, जो हम टेबल बना के यानी सॉल्व करते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको पजल कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उसमें बताया है। अगर आप वो अप्रोच सीखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो में जो मैंने पजल लिया था वो एक्चुअल IFT का वन ऑफ द टफेस्ट पजल था और वो हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से सॉल्व किया था। पहले पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फील की थी और फिर पॉइंटर्स को कनेक्ट किया था, तो वही हमारा अप्रोच रहना चाहिए सारे पजल्स में। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप किसी भी मैट्रिक्स बेस्ड पजल को इन जनरल इजीली सॉल्व कर लोगे। मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट पजल के बाद है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ आपसे सिंगुलर लाइन अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, ओके, पैरेलल लाइन अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि दे आर फेसिंग सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो कंसेप्ट है, बस उतने क्लियर रखना है। पजल कैसा भी वो पूछ सकते हैं हमसे, बट बहुत डुएबल होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस पजल का सिंपल रूल है, सबसे पहले पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और उसके बाद में जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, जो रिमेनिंग क्लूज है, बस उन्हें कनेक्ट करना है। ओके, सो ईजी है, डुएबल है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, डेली 2 पजल सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि मंथ में आप ऑन एन एवरेज 50-60 पजल्स वैसे ही बना लोगे और 5 महीने में अगर आप इतने पजल्स कर लेते हो तो अराउंड 300 पजल्स आप इजीली कर लोगे। सो पजल्स डुएबल है, ज़्यादा यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ भी स्पीड ब्रेकर मेंशन किया है इसके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम में, तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी पजल को सॉल्व करने में तो बेस्ट है मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ और एंड में उस पर आओ। जहाँ भी
हम रुक रहे हैं, स्पीड ब्रेकर टाइप फीलिंग आ रही है पेपर को अटेम्प्ट करने में, वहाँ टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। ये थंब रूल याद में रखो, आगे बढ़ जाओ। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है हमारे पास, और क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस है जो हमें स्कैन करना है पहले। ओके, तो हमेशा अवेयर रहो। वैसे डुएबल है पजल्स, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब उसके बाद में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन टाइप्स है जो यूजुअली टेस्ट हो रहे हैं स्नैप में। उसमें पहला है सिंगलेट्स, कंपेरिजन बेस्ड। अब सिंगलेट्स है 1-2 liner क्वेश्चंस। ओके, इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 5 friends हैं, ओके, उनकी हाइट की कंपेरिजन दी है या वेट की कंपेरिजन दी है, और आपसे पूछा जाएगा कि किसकी हाइट सेकंड हाईएस्ट है, किसका वेट सेकंड लोएस्ट है, लाइक दैट, जो एकदम केक वॉक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी स्नैप में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन टाइप को भी बेसिक प्रिपेयर करके रखो, बहुत ईजी है वैसे टैकल करने में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है वो है वेन डायग्राम। अब ये जो वेन डायग्राम है, इसे कन्फ्यूज़ मत करो सेट थ्योरी के कंसेप्ट के साथ। ओके, सिंपल वेन डायग्राम जो होती है आपने देखा भी होगा, पिक्टोरियल बेस्ड, जिसमें ट्रायंगल्स होते हैं, उसी में सर्कल ओवरलैप रहेगा, उसी में स्क्वायर या रेक्टेंगल ओवरलैप रहेगा, और कुछ अल्फ़ाबेट्स की नेमिंग रहेगी वहाँ पर, ABCD टाइप की, और दिया रहेगा कि इस रीजन में, ओवरलैपिंग रीजन में जो पर्सन है वो डॉक्टर है, या जो सेपरेट स्क्वायर में है वो इंजीनियर है, या सेपरेट ए में है वो एक्टर है। फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ऐसा रीजन बताओ कि जिसमें डॉक्टर और इंजीनियर तो है पर्सन बट एक्टर नहीं है, लाइक दैट कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन टाइप है, तो इस पर आपको फोकस करना है। और ये वेन डायग्राम बहुत इजी है, केक वॉक है एकदम। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप है वो है ट्रूथ लायर अल्टरनेटर, जिसे बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं, और ये स्नैप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, बट स्पीड ब्रेकर एरिया है, और यहाँ भी आपको ज़्यादा वक्त लगेगा इसे सॉल्व करने में, बिकॉज यहाँ पर हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसे सॉल्व करने की जो मेथड है, और उसमें फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ट्रूथ टेलर कौन है, लायर कौन है, अल्टरनेटर कौन है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो बाइनरी लॉजिक से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा इस ट्रूथ लायर अल्टरनेटर से, बट मेरा सजेशन है इसे भी मार्क फॉर रिव्यू करके एंड में सॉल्व करो, जब आपके पास वक्त बचा है तब। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर नहीं करना है, प्रिपेयर ज़रूर करना इसे। उसके बाद में बेसिक विजुअल रीजनिंग। अब बेसिक विजुअल रीजनिंग से मेरा मतलब है जो हमारे बेसिक क्वेश्चन टाइप्स है, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में मिरर इमेज, वाटर इमेज होती है, पेपर फोल्डिंग होती है, तो बेसिक्स इन टाइप के हमें पता रहना चाहिए। जैसे MBA CET में सेपरेट सेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, विजुअल रीजनिंग का, हमें उतना डिटेल में नहीं करना है, बट स्टिल हमें बेसिक पता रखना है, तो वहीं से इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत डुएबल होते हैं, तो स्नैप में पूछे जाते हैं हर साल, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में काउंटिंग फिगर्स, और काउंटिंग फिगर्स भी बहुत इजी है, और स्पेशली ट्रायंगल्स और स्क्वेयर्स, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ फिगर और काउंट द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन अ फिगर, जिसका सबसे इजी तरीका ये होता है, सबसे पहले बिगर फिगर को टारगेट करो, उसके बाद में सब्सिक्वेंट स्मॉलर फिगर्स को टारगेट करो और काउंट करो टोटल कितनी फिगर्स बन सकती है, तो ये भी इजी है। ओके, ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बट ये क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं, एक तो स्टूडेंट्स स्किप कर देते अपने प्रिपरेशन में, यानी या उन्हें पता ही नहीं रहता, बट आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ सारे टॉपिक से आप थोरो रहो, ओके, सारे टॉपिक की आपको नॉलेज रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ फिजिक्स और कोर क्वांट्स। अब साइंस की एग्जाम तो नहीं है, बट स्टिल फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट होते हैं, लास्ट ईयर भी हुआ था और 3 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, बट कॉमन सेंस वाले जो फिजिक्स के लॉज हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बट स्टिल थोड़े स्ट्रेंज रहते हैं। ओके, सो आपको केयरफुली डील करना होगा इनसे। उसके बाद में कोर क्वांट्स। अब कोर क्वांट्स से मेरा मतलब है अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस, स्पेशली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखा गया है हियर एंड देयर, वो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में पूछे गए हैं, और सेम होता है क्वांट्स के सेक्शन में भी, जो हमारा सीरीज का क्वेश्चन टाइप है, सीरीज के क्वेश्चन कभी कभी क्वांट्स में पूछे जाते हैं, तो इंटरचेंज होते रहते हैं टॉपिक्स रीजनिंग के क्वांट्स में एंड वाइस वर्सा, तो आपको कोर क्वांट्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। वैसे भी अगर आपने क्वांट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया है, स्पेशली अरिथमेटिक्स, तो यहाँ पर आपको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा कि ऑलरेडी आपको
कंसेप्ट्स पता है और अगर कोर क्वांट्स के क्वेश्चन रीजनिंग में आपको मिल जाते हैं तो आपको ड्यूअल एडवांटेज मिलेगा, क्वांट्स में भी आप उन्हें सॉल्व कर लोगे और एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी सॉल्व कर लोगे। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पिक्टोरियल स्टोरी बेस्ड। अब इससे मेरा मतलब है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कैरिकेचर्स आते हैं, बहुत से ऐसी वर्ड्स लिखे होते हैं उनके ऊपर, ओके, और कुछ स्टोरी यानी बताने की कोशिश करता है हर कैरिकेचर। तो स्नैप 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया था, पिक्टोरियल बेस्ड था बट वो काफ़ी कम्बरसम था क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जामिनेशन सिनारियों में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। उसके बाद में ऑप्शंस भी उसके ट्रिकी थे और क्वेश्चन यही था कि जो स्टोरी पिक्चर में बताई है इसकी समरी क्या है, वो आपको बताना है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन टाइप एकदम नॉनसेंस है और बेटर आप इसे अवॉइड करो। ओके, अगर बहुत इजी है तो अटेम्प्ट कर लेना, ओके, आप पर डिपेंड करता है, बट निगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे जो एकदम नॉनसेंस क्वेश्चन टाइप है इनसे दूर रहना ही सही डिसीजन है। ओके, उसके बाद में देखो एनालॉजीज और क्लॉक्स। एनालॉजीज का मैंने आपको बताया नंबर सीरीज लेटर सीरीज के समय, स्नैप में जो एनालॉजीज पूछते हैं उसे प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा एनमैट के एनालॉजीज के साथ, बिकॉज एनमैट में इंग्लिश वोकैब के ऊपर बेस्ड जो एनालॉजीज होती है उन्हें टेस्ट किया जाता है। स्नैप में सिंपल है लॉजिकल रीजनिंग वाली एनालॉजीज, ओके, ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक नंबर सीरीज लेटर सीरीज इनके कंसेप्ट जो है इन्हीं पर बेस्ड आपको एनालॉजीज यहाँ पर देखने मिलेगी, सो ज़्यादा टफ नहीं है, ओके, सो आपको पता रहना चाहिए। और स्कोरिंग टॉपिक है। क्लॉक्स की अगर बात करें तो क्लॉक्स में एक ही क्वेश्चन टाइप है जो MBA एंट्रेंसेस में टेस्ट होता है, जिसमें आपको थीटा निकालना होता है और एक ही फार्मूला है 11/2m-30h। ओके, सो ये जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11/2m-30h, बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं किसी एग्जाम में, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं IIFT में 3 बार सेम फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और रिसेंट जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वांट्स के सेक्शन में भी एक क्वेश्चन क्लॉक से पूछा गया है सेम फार्मूले पे। सो आपको पता रहना चाहिए थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11/2m-30h, ये एक फार्मूले पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और स्नैप में भी पूछे गए हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें, विद ड्यू रिस्पेक्ट सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद में ये हो गए हमारे टिपिकल्स टॉपिक। ओके, टिपिकल टॉपिक्स जितने पूछे जाते हैं, जितने स्ट्रेंज टॉपिक्स पूछे जाते हैं उतने मैंने आपको बता दिए। अब क्रिटिकल रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रेडिशनल लॉजिक, पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर मिनिमम क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी हमें हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट के साथ अटेम्प्ट करना है, हर मार्क की वैल्यू है हमारे लिए, तो इवन 1 मार्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आपका एम है 99+ percentile स्कोर करने का, ओके, सो डेफिनेटली आपको थोरोली प्रिपेयर करना होगा। और क्रिटिकल रीजनिंग में देखो जो क्वेश्चन टाइप्स है बेसिकली जो ऑफनली टेस्ट होते हैं स्नैप में, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन टाइप है क्रिटिकल रीजनिंग का। उसके बाद में सिलॉगिज्म्स को डिडक्शन भी कहते हैं, ओके, बिकॉज जो फिगर ड्रॉ करके हम सिलॉग सॉल्व करते हैं आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और डिडक्शन के सिंपल रूल्स अप्लाई करके भी उसे सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए उसे डिडक्शन भी कहा जाता है। और उसके बाद में स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन टाइप से क्रिटिकल रीजनिंग के जो टेस्ट होते हैं स्नैप में। उसके बाद में हो सकता है हियर एंड देयर स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस ये आपसे पूछ ले, बट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, इस लेवल पर क्रिटिकल रीजनिंग स्नैप में आपको टेस्ट नहीं करता। बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए हर टॉपिक के, ओके, और मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि जो स्टूडेंट स्नैप दे रहे हैं वो एनमैट भी देंगे, सो एनमैट के लिए क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी क्रिटिकल रीजनिंग की भी। बट इवन इफ़ यू आर इंडिविजुअली सोलोली टारगेटिंग फॉर स्नैप 2021 तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जितने टॉपिक्स मैंने बताए उतने इनफ है। तो ये था लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का थोरो एनालिसिस, जितने टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए। हमेशा ध्यान में रखो क्वेश्चन पेपर को स्कैन करो, इजी क्वेश्चंस जो है सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करो, स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया जो है हमारे वो हमें पता रहना चाहिए, अभी हमारे पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन का। तो
मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जितने आप अटेम्प्ट करते हो उससे आपको पता चलते रहेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है. ओके, अभी हमारे पास बहुत सफिशियंट टाइम है वीक एरियाज को इम्प्रूव करने का. सो ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहो. ओके, और जब भी आप एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करो तो हमेशा थंब रूल ध्यान में रखो, इजी क्वेश्चंस पहले करो, स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस जैसे इनपुट आउटपुट पजल्स इन्हें एंड में सॉल्व करो. वैसे ही कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है जैसे ट्रूथ लायर अल्टरनेटर, इन्हें भी बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, बेसिक विजुअल रीजनिंग का भी मैंने आपको बताया. एक क्वेश्चन टाइप है क्यूब्स. अब क्यूब्स रिसेंट ईयर्स में पूछा नहीं गया है बट स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यूब्स भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर करके रखो बट रिसेंट ईयर में पूछा नहीं गया है. ओके, सो क्यूब एक एरिया है जिसे आप टारगेट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी टिपिकल एरियाज हैं मैंने सारे आपको बता दिए. ओके, फिजिक्स के लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन, उसके बाद में कोर क्वांट्स के क्वेश्चन, पिक्टोरियल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड ही करो. और क्रिटिकल रीजनिंग को भी इग्नोर नहीं करना है, इसे भी थोरोली आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज सारे क्वेश्चन स्कोरिंग है. तो इन दी एंड मैं आपको यही बताऊँगा कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे वीडियो का कि स्नैप में लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है बट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है. ओके, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है. निगेटिव मार्किंग है इसका ख्याल रखना है, और कुछ निगेटिव क्वेश्चंस भी अगर रहते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की. ऑप्शन अगर मैच होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है मैच एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस चेक करो, उससे ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करो. ओके, तो रॉन्ग क्वेश्चंस जो भी होते हैं उसके मार्क हर किसी को अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, तो ये स्नैप में एक बहुत अच्छी बात है. तो आई होप जितना भी एनालिसिस है आपके समझ में आ गया होगा. इनकेस अगर कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई दूंगा. तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI एंड DS सेक्शन.